कबीर के यहाँ का मुहावरा बड़ा मीठा है और बड़ा विशिष्ट भी है। कबीर बार बार नैहर की बात करते हैं और साईं की भी बात करते हैं, पति की भी बात करते हैं। ये क्या है नैहर, मायका, जिसकी कबीर इतनी बात करते हैं इतनी जगह पर? उसका उल्लेख आता है, कभी कहते हैं नहीं हरवा में दाग लगाए आई चुनरी, कभी कहते हैं नहीं हरवा हमको न भावे। कबीर की बोली में मायका वो जगह है जहाँ पिता का वास है। पिता शब्द बड़ा सांकेतिक है, समझेंगे। पिता से आशय है वो जो तुमको शरीर देता है, और दूसरा वो जहां पर तुम्हारी चेतना ने, तुम्हारी स्वेच्छा ने, तुम्हारे बोध और प्रेम ने चुनाव नहीं किया, वो घर तुमको बस जन्म ने और प्रकृति ने दे दिया। तो पिता के साथ दो बातें, पहली ये कि पिता ने शरीर दिया, तो प्रकृति को पिता जानिए। शरीर और मन के सारे निर्धारकों को पिता जानिए, जिससे मुझे शारीरिक उत्पत्ति मिली उसको पिता कहते हैं कबीर। शरीर को जानिए कि पिता की देन। तो पिता होता है वो शरीर देता है, और शरीर देने में वो आपके सामने कोई विकल्प नहीं रखता, ना आपसे पूछ के शरीर दिया गया है, ना आपसे पूछ करके आपको दुनिया में लाया गया है, ना आपने तय करा था कि आप होंगे, ना आपने तय करा था आप कैसे होंगे। तो इस सारे खेल को कबीर कहेंगे नैहर। नैहर वो जगह जहां शरीर की चलती है और जहां शरीर की मजबूरी चलती है। शरीर से संबंधित जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो जहां पाई जाएं उसको कबीर कहेंगे पिता का घर, नैहर। और फिर पिता के घर के बाद एक घर और आता है। समय की दृष्टि से देखें तो लगेगा कि पति का घर, साई का घर आता है यौवन में। कबीर की दृष्टि से देखें तो कबीर कहेंगे कि वो घर तुम्हारा असली घर है, पिता के घर में जन्म लेने से बहुत बहुत पहले से तुम साई के घर में हो। दिल से तो तुम हमेशा से प्रेमी के, पति के ही थे, ये तो समय का खेल और विडंबना है कि शरीर धारण किया और पिता के यहां मायके में पैदा हो गए। शरीर पिता का, दिल पति का, क्योंकि शरीर तो मिला है पिता से और हृदय है पति का। पति का लोक वो जगह है
जहां पर आप मजबूरी वश नहीं चले जाते कि अब क्या करें, इस घर में पैदा हो गए हैं तो, वहां आप जाते हो स्वेच्छा से, वहां आपको आपका जन्म नहीं आपका प्रेम ले जाता है। वहां ऐसा नहीं है कि जब होश संभाला तो पता चला कि हम यहां पैदा हुए थे, वहां तो ऐसा है कि पूरे होश में थे इसलिए वहां पहुंचे। दोनों का अंतर समझना। पिता के घर में पैदा होने के तो बहुत बहुत समय बाद तुम होश संभालते हो, और पति के यहां तुम पहुंचते इसलिए हो क्योंकि पूरे होश में हो। पति से आशय कबीर का सदा परमात्मा का रहा है। परमात्मा के अतिरिक्त कबीर ने किसी को पति स्वीकारा ही नहीं। पति माने स्वामी, और स्वामी हो कौन सकता है। पति माने मालिक, पति माने एक और शरीर नहीं, जो कोई भी शरीरी है वो कहां का है, वो तो नैहर का हुआ। पति कहीं और का, वहां शरीर नहीं चलते, वहां हृदय की बात है। पति कहीं और का है, वहां बात हृदय की है। जब तक पिता के यहां हो, जब तक शरीर से बंधे हुए हो, तब तक जो वास्तविक प्रेमी है उससे दूर ही रहोगे। जब तक शरीर की सुनोगे, शरीर मतलब वो जो जन्म से मिलता है, वो जो प्रकृति से चलता है, वो जो तीन गुणों से संचालित होता है, वो जो मात्र हाड़ मांस रस और रसायन है, जब तक उसकी सुनते रहोगे तब तक प्रेम से वंचित रहोगे। और प्रेम उपलब्ध था, लेकिन प्रेम तक पहुंचने की अनिवार्यता यह होती है कि तुम्हें निर्मल होना होगा, तुम्हें हल्का होना होगा। शरीर पर जब भी चले गंदे हो जाओगे, दाग लग जाएगा। नैहर में जितना रहोगे, शरीर के घर में जितना रहोगे उतने मलिन हो जाओगे। दाग लगाए नैहरवा में, दाग लगाए आई चुनरी, और फिर छटपटाते हो। कहते हैं कबीर कि अब मुंह कैसे दिखाऊं, घर कैसे जाऊं, दाग कैसे छुड़ाऊं। गाया है ना, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। अब तो वासना पे चल के, शरीर पे चल के चुनरी पे दाग लगा लिया, अब कैसे मुंह दिखाओगे, अब लौट के घर कैसे जाओगे। अब रहे आओ नैहर में, अब ससुराल से वंचित हो गए, दरवाजे बंद हो गए। वहां तो सिर्फ उनको प्रवेश मिलता है जिनकी चदरिया झीनी की झीनी हो, जिनकी चादर, जिनका मन दागों से अछूता हो, जो कर आया गंदा उसके लिए तो द्वार बंद। चाहे वो कहें कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, चाहे वो कहें नैहर में दाग लगाए आई चुनरी, एक ही भाव बार बार व्यक्त हो रहा है। शरीर पर चलकर, मन पर चलकर, संस्कारों पर चलकर, धारणाओं पर चलकर गंदा मत कर लेना अपने आप। मन का व्यसन होती है धारणाएं, विचार, स्मृतियां, अहम। शरीर का व्यसन होती है भूख, नींद, काम वासना, जो इन पर चल लिया वो हुआ गंदा। अब फंसे नहीं हर में, अब कैसे जाओगे साईं के पास,
जो फंस जाता है वो अपने ही मुताबिक फिर इलाज निकालने की कोशिश करता है, तो कहता है अब गंदा कर लिया है शरीर को, अब धब्बे लग रहे हैं मन पे, शरीर इसलिए था कि सत्य की ओर ले जाए, और हमने शरीर को भोग का माध्यम बना लिया। फिर इलाज भी खुद ही ढूंढते हैं, इलाज हम जितने ढूंढते हैं सब असफल हो जाते हैं। को रंग रेजवा, वो रंग रेजवा मरम न जाने। हम सोचते हैं दाग लगे हैं रंगरेज के पास जाएंगे साफ कर देगा, ना वो और गंदा कर देगा। तुम दागों को छुड़ाने की जितनी कोशिशें करोगे तुम और गंदे होते जाओगे, क्योंकि तुम हो तो वही ना जिसने सर्वप्रथम दाग लगा लिए, साड़ी गंदी कर ली। साड़ी गंदी करना भी धोखा था, धोखा इसलिए था कि जिस समय साड़ी गंदी कर रहे थे उस समय याद नहीं उसकी आई जो सिर्फ स्वच्छता को ही पसंद करता है। जब अपनी चादर को, अपनी साड़ी को, अपने तन और मन को गंदा कर रहे थे, याद करो उस पल को, तब एक पल भी ख्याल आया था सत्य का? तब एक पल भी ख्याल आया था पति का? तब धोखा दे रहे थे, तब भूले बैठे थे। और अभी भी जो तुम उपाय कर रहे हो वो उपाय तुम अपने मुताबिक कर रहे हो, उस उपाय में भी कहीं पर भी सत्य शामिल नहीं है, वो उपाय भी तुम्हारा अपना व्यक्तिगत है। दोनों ही स्थितियों में तुम वही के वही हो। तब भी जब साड़ी गंदी कर रहे थे, तब भी भूले बैठे थे, उस पल तुम्हें जरा याद नहीं आई, और अब जब सफाई करनी है तब भी भूले बैठे हो, इस पल भी तुम्हें याद परमात्मा की नहीं आ रही, किसकी आ रही है? रंगरेज की आ रही। तुम्हें लग रहा है कि रंगरेज सफाई कर देगा। तब तुम्हें मिल गए थे शरीर के चाहने वाले, इसलिए तुम परमात्मा को भूल गए थे। अब तुम्हें मिल गए हैं दाग छुड़ाने वाले, इसलिए तुम परमात्मा को भूले बैठे हो। दोनों ही स्थितियों में भूले तो बैठे ही हो। ना ही मिले धोबिया कवन करे उजरी, धोबी हो कि रंगरेज हो, ये सब इस जगत के उपाय हैं, और जगत के उपाय काम नहीं आएंगे क्योंकि जगत ने ही तो दाग दिए। दाग कोई आसमान से थोड़े ही बरसे हैं। ये जो तुमने अपनी साड़ी गंदी करी है, ये इसी जगत के लोगों से ही तो मिलजुल के करी है। ये दाग धब्बे इसी दुनिया ने तो दिए हैं। जो दुनिया दाग धब्बे देती हो वो दुनिया तुम्हें दाग धब्बों से मुक्ति भी दे देगी, इससे बड़ी प्रवंचना क्या हो सकती है? पर उपाय हम निकालते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम चूंकि इस दुनिया के बाशिंदे बने बैठे हैं तो हमारे सारे उपाय भी इसी दुनिया के ही होंगे। फिर हाथ मलते हैं, सफल रह जाते हैं, न रंगरेज काम आ रहा है न धोबी काम आ रहा है। हाँ, उनकी सेवाएं लेने में, उनसे मदद लेने में हम लुटे जरूर जा रहे हैं। यहां जाके समय व्यतीत कराए, वहां जाके दान चढ़ाए, इस पर उम्मीद टिका ली, उस पर भरोसा कर लिया, यही सब तो गठरी होती है ना, जीवन की पूंजी समय संसाधन, ये लुटे जा रहे हैं। और दाग न सिर्फ जस का तस है बल्कि और बढ़ता जा रहा है। हमारी हालत कुछ ऐसी है कि जैसे कोई खून का दाग कोयले से मिटाए। कि जैसे कोई हल्दी का दाग मिटाने के लिए
उस पे और बेसन मल दे कि और गाढ़ा पीला रंग मल दे। तन की कुंडी ज्ञान का सौदन, जितना ज्ञान संचित कर रखा है और जितना शरीर का बस चलता है वो सब आजमा के देख लो, व्यर्थ ही जाना है। तुम अपने करे बस एक काम कर सकते हो और वो तुमने कर डाला है, काया गंदी कर ली, दाग लगाया है, और ये बड़ा गहरा दाग है, ये नहीं छूटने का। और जरा गहरे जाके देखें, तात्विक दृष्टि से देखें तो उसको दाग कहना भी बहुत सटीक नहीं होगा, क्योंकि दाग से तो ऐसा लगता है कि जैसे सफेद चादर पर कहीं एक धब्बा बैठा हो, यहां तो पूरी चादर ही मैली है। यहां तो बीच में कभी कभार कहीं सफाई के चिन्ह मिल जाएं तो गनीमत जानिएगा। साबुन महंग बिकाए या नगरी, लगा लो साबुन, कर लो तुम महंगे से महंगे आयोजन, अब सफाई नहीं होने की। हर आयोजन तुम्हें और मलिन ही करके जाएगा, दाग और लगते कैसे हैं? जिस दाग को तुम छुटाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसी को समझ गए होते कि लगा कैसे था, तो उसको छुटाने के इतने निष्प्रभावी उपाय नहीं करते। वो दाग भी लगा ऐसे ही था कि तुम कोई चतुराई दिखाना चाह रहे थे, तुम अपनी होशियारी में मशगूल थे, तुम्हें लगा था कि भूल लोगे सत्य को, भूल लोगे प्रेमी को और साफ बच निकलोगे, तुम्हें लगा था कि ठग लोगे, तुम्हें लगा था कि तुम्हारी चतुराई तुम्हारी चोरी को छुपा ले जाएगी। चतुराई ही दाग का प्रथम कारण है, तो फिर चतुराई दाग को छुटाने का माध्यम कैसे बन जानी है? इतनी चतुराई न दिखाई होती, इतनी चोरी न की होती, तो दाग लगता क्यों? अब और चतुराई दिखाओगे, धब्बे और बढ़ाओगे। पहरी ओढ़ के चली ससुरिया, गईवा के लोग कहे बड़ी पोहरी। ये चादर तो अगर ओढ़ के, इस साड़ी को अगर पहन के तुम चली पति से मिलने, तो प्रकट ही हो जाना है कि कितनी फुहरी हो, कितनी फूहड़ हो। उसके यहां गंदी काया लेके नहीं जाते, वो गंदी काया वालों को स्वीकार ही नहीं करता। तुमने शरीर गंदा कर लिया, अब तुम्हें वो कैसे छुएगा? फूहड़ कहलाओगी अगर इस गंदे शरीर के साथ भी उम्मीद रखोगी कि अब पति का स्पर्श मिल पाएगा, नहीं संभव हो पाएगा।
पति तो दूर की बात है, कबीर कह रहे गांव के लोग ही कहेंगे अरे फूहड़। हमारे यहां कहते हैं ना, मंदिर जाओ तो पहले स्नान करके जाओ। परमात्मा के द्वार जाते हैं साफ होके, शरीर पर मल पोत कर नहीं जाते, मन पर विक्षेप पोत कर नहीं जाते, कामग्रस्त मन और संस्कार ग्रस्त मन के साथ नहीं जाते। पूरा अस्तित्व हंसेगा तुम पर, सबके उपहास के पात्र रहोगे कि देखते नहीं है कि ये कैसे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जब तो चूहे खाने की बारी थी तब बिल्ली ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब हज को चल रही है। लोकोक्तियां भी कई बार अपने गर्भ में गूढ़ सत्य छुपाए रहती हैं। गईवा के लोग कहें बड़ी पोरी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, परमात्मा तो फिर भी माफ कर दे। परमात्मा से पहले जग जाहिर हो जाना है कि कैसे पाखंडी हो तुम। जो सत्य का नहीं हो पाया उसे संसार में उपहास के अतिरिक्त और क्या मिलना है। बड़े से बड़ा फूहड़ वो नहीं है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको संसार की अन्य कुशलताएं नहीं है। बड़े से बड़ा फूहड़ वो है जिसके दिल में राम नहीं है। उसकी जैसी जग हसाई होती है वैसी किसी और की नहीं। और जग आवश्यक नहीं है कि आपके मुंह पर ही हंसते, आप बहुत ताकत वगैरह इकट्ठा कर लो तो हो सकता है आपकी प्रशंसा ही करे आपके मुंह पर, या हो सकता है संकोचवश और मर्यादावश आपके समक्ष कुछ ना कहा जाए आपसे। लेकिन सच्चाई तो सबके हृदय में वास करती है, सबकी आंखें आलोकित तो सत्य की ही रोशनी से होती हैं, दिख सबको जाता है, सब समझ जाते हैं, पाखंड छुपा नहीं रहता। क्योंकि मूलतः हम सबका स्वभाव सत्य ही है, निर्मलता ही है। मूलतः हम सबको सच्चाई पसंद है, हम सबको सौंदर्य पसंद है। तो इसीलिए जहां कहीं भी कुछ और दिखता है तो वो खटकता है आंखों को, इसी को कहते हैं जग हसाई। तुम्हारी साड़ी के दाग धब्बे संसार की आंखों में भी खटकेंगे, क्योंकि संसार स्वयं भी स्वच्छता ही देखना चाहता है। अन्यत्र कबीर दो तरह के मन में भेद करते हैं।
कहते हैं एक मन होता है सती का और एक होता है व्यभिचारिणी का, और दोनों में अंतर यह होता है कि जब पति सामने नहीं होता, और पति से समझिएगा कबीर का हमेशा एक ही अर्थ है परमात्मा, दोनों में अंतर एक ही होता है कि जब पति सामने नहीं होता तो सती को उसकी और ज्यादा याद आती है, वो समक्ष रहे तो हो सकता है कि फिर भी उसका ख्याल ना करे, पर जब नहीं सामने होगा तब और ज्यादा उसमें डूब जाएगी, ये सती का लक्षण है। और व्यभिचारिणी का ये लक्षण है कि जहां पति सामने से हटा, जहां पता चला कि अभी वो नहीं है, तहां वो संसार में अपने लिए दूसरे आकर्षण ढूंढ लेगी। एक पति के सामने न रहने पर और ज्यादा हो जाती है पति की, और दूसरी पति के सामने न रहने पर तुरंत दूसरे ठिकाने खोज लेती है। ये दो तरह के मन होते हैं, ये दो तरह की अहंताएं होती हैं। केंद्र से थोड़ा विस्थापित तो हम सभी जीते हैं, सत्य से थोड़ा दूर तो कदाचित सभी के मन रहते हैं, लेकिन उस दूरी के प्रति हमारा रवैया क्या है। एक रवैया होता है मैं दूर हो गया हूं, ये बात मुझे विवल किए दे रही है, मुझे पास जाना है। दूसरा ये होता है मैं दूर हो गया हूं मुझे मौका मिला, मैं दूर हो गया हूं मुझे मौका मिला चोरी का, मुझे मौका मिला और दाग धब्बे ओढ़ लेने का। एक के लिए दूरी असह्य है, दूरी हुई नहीं कि उसे वापस लौटना है, दूसरे के लिए दूरी एक सुनहरा मौका है और दूर हो जाने का। ये दो तरह के मन है, और तीसरा कोई मन होता नहीं। ये हमें भी पूछना होगा अपने आप से कि हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि हैं तो हम सब शरीरी हैं, तो हम सब जीवी, संसार सामने रहता और हावी भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और हृदय से शांति से जरा सी दूरी बन जाती है। सवाल यह है कि जब दूरी बनती है केंद्र से, हृदय से, शांति से, पति से, परमात्मा से, तो हम क्या करते हैं। दूरी सबकी बनी हुई है, यहां कोई नहीं है जिसकी दूरी ना बनती हो। जब दूरी हो जाती है तो क्या करते हो, पति जब दूर होता है तो क्या करते हो, उसकी याद में रोते हो, जार जार होते हो, या तुरंत उसके दूर होते ही दूसरे यार के लिए तैयार होते हो। यही सवाल है। जिन्होंने भौतिकी जरा पढ़ी है वो परिचित होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से। उसमें जब केंद्र से वस्तु दूर होती है तो दूरी के साथ साथ उस पर वापस जाने का बल और बढ़ता है। दूरी जितनी बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा चाहेगी वापस जाना। इसको कहते हैं सती का मन, इसको कहते हैं सद्बुद्धि। आप एक स्प्रिंग को इससे बांध दें और उसे खींचें, जितना आप उसको खींचते जाएंगे वो उतना ज्यादा चाहेगी कि वो दूर जाए, वापस जाए। ये सती का मन है। और दूसरा मन हुआ कि जैसे मुंह से टपकती हुई लार, गाड़ी लार कभी टपकते देखा है, जैसे वासना में टपकती है, जरा सी चुई नहीं कि उसकी धार और ज्यादा खिंचती ही जाती है
होठों से और दूर ही होती जाती है, वापस नहीं आती। एक बूंद चुएगी और वो बूंद फिर और लंबा धागा और लंबा तार बनती जाएगी, दूर ही जाती जाएगी। दूर जाना शुरू हुआ नहीं कि दूरी को बढ़ते ही जाना है, वो अब कभी वापस लौट करके नहीं आएगी। अब उसे जा करके खाक में ही मिलना है, अब उसे मिट्टी ही हो जाना है, उसे कदमों तले कुचला जाना है, अब उसकी और कोई संभावना नहीं। ये दो मन है, हमारा मन कैसा है? कबीर जिस मन से गा रहे हैं वो मन है जो अब पछता रहा है, जो कह रहा है दूरी बनी और उस दूरी ने बड़ा अनर्थ कर दिया, बर्बादी कर डाला, लग गया दाग और अब छूटता नहीं। एक मन होगा कि ये भी कह सकता है कि दाग थोड़ी लगा है, अब श्रृंगार होना शुरू हुआ है, पहले तो यूं ही अनाकर्षक श्वेत धवल चित्रहीन रंगहीन साड़ी थी, अब जरा कुछ रंग भरने शुरू हुए हैं। ये जो धब्बा है ये पहला रंग है, अब इसमें और रंग भरेंगे, सुंदरता निखरेगी। मन हमारा कैसा है? दाग के प्रति और दूरी के प्रति हमारा क्या अंदाज है? दूरी तो है, वो दूरी तुम्हारे मन पर असर क्या डाल रही है? देखिए ना, इन दोनों तरह के चित्त, एक चित्त कहता है दूर हुए हैं विकल वेदना है, वापस जाना है। दूसरा कहता है दूर तो अब हो ही गए हैं, चलो कोई और ठिकाना तलाशें। वो दूर होने को ही कारण बना लेता है दूसरे ठिकाने तलाशने का, वो कहता है चूंकि अब दूर हो गए हैं, बिकॉज नाउ देयर इज अ डिस्टेंस, चूंकि अब दूर हो गए हैं तो चलो कोई दूसरा घर, कोई दूसरा यार तलाशते हैं। संसार और कुछ नहीं है, वो यही यार है। आप ये जो पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो प्राथमिक प्रारंभिक दूरी थी, गर्भ से पैदा होना पहली दूरी है। अब उस दूरी के बाद क्या करना है बताओ? शून्य में विराजते थे हम, तब कोई दूरी नहीं थी, पैदा हुए ये पहली दूरी है, अब इस दूरी के बाद क्या करना है? भोगी मन कहता है अब पैदा हो गए हैं तो चलो भोगते हैं, ये वो विचारणी है जो कहती है कि अब दूरी बन गई है तो और बढ़ाते हैं, अब दूरी तो हो ही गई है तो और बढ़ाते हैं, अब पैदा तो हो ही गए तो चलो भोगते हैं। और दूसरा मन होता है कबीर का मन, जो कहता है दूरी लेके पैदा हुए थे, दूरी लेके मरेंगे नहीं। पैदा तो हुए शरीर लेकर, शरीर लेकर मरेंगे नहीं। पैदा तो हुए वृत्तियां लेकर, वृत्तियां लेकर मरेंगे नहीं। और ये दोनों तरह की दृष्टियां आपको संसार में देखने को मिलती होंगी, ज्यादा तो पहली वाली ही दिखती होगी कि अब पैदा हुए हो तो मौज करो, खाओ पियो, गुलछर्रे उड़ाओ। दूसरी जरा कम दिखती होगी कि पैदा हो गए हो तो जन्म को सार्थक करो, दूसरी जरा कम दिखती है। ये दूसरा मन कबीर का मन है, दूसरा मन सती का मन है, पहला मन व्यभिचारिणी का मन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन सतगुरु कबहू नहीं सुधरी। दिखते हैं दाग धब्बे, दिखती है अपनी निरुपायता भी, स्पष्ट दिखती है अपनी व्यवस्था, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं जाती, फिर भी लगता यही है कि हम कुछ हैं। अरे ये बुद्धि किस दिन काम आएगी? हम तय करेंगे कैसे करना है, तुम हो कौन तय करने वाले? और तुमने आज तक तय कर करके कर क्या लिया है?
हम निर्धारित करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, गुरु के पास जाने का अर्थ होता है अपना आपा पीछे छोड़ा, अपने मूल्य पीछे छोड़े, अपनी चतुराई पीछे छोड़ी। दिख गया कि हमने तो खूब दिखा ली करतूत, खूब दिखा ली होशियारी, दो पल भी संभल न पाए, गुरु इसीलिए कोई इकाई नहीं है, गुरु इसीलिए कोई ग्रंथ या व्यक्ति इत्यादि नहीं है। जहां कहीं भी तुम्हें तुम्हारी व्यक्तिगत अक्षमता का एहसास हो जाए, उस जगह को, उस मौके को, उस माहौल को, उस उपस्थिति को गुरु जानना। किसी वृक्ष के नीचे हो जाए तो वृक्ष को गुरु जान लेना, किसी मेज पर हो जाए मेज को गुरु जान लेना, किसी ग्रंथ के साथ हो जाए ग्रंथ को गुरु जान लेना, यूं चलते फिरते अनायास हो जाए तो अस्तित्व को गुरु जान लेना। जहां हो जाए, जिसके समक्ष हो जाए, जिसकी उपस्थिति में हो जाए, उसी को गुरु जान लेना। तात्विक रूप से तो परमात्मा ही गुरु है, परमात्मा के अतिरिक्त, सत्य के अतिरिक्त और कोई गुरु होता नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए तो परमात्मा शब्द मात्र ही है ना, यदि वो निराकार रहा तो परमात्मा जिस भी रूप में तुम्हारी मदद कर जाए उस रूप को गुरु जान लेना। यही परिभाषा है तुम्हारे लिए गुरु की। परमात्मा कोई विशेष रूप नहीं धारण करता तुम्हारी मदद के लिए, वो तो हर रूप में मदद करने को तैयार है, पर तुम किसी विशेष रूप से ही मदद ग्रहण कर पाते हो, वो तो हर रूप में मदद कर दे, ये तुम्हारी विवशता है, ये तुम्हारी सीमितता है कि तुम कुछ खास रूपों से ही ग्रहण कर पाओगे। जिन रूपों से तुम ग्रहण कर पाए उन रूपों को गुरु जान लेना। तो गुरु कौन? परमात्मा को जो रूप तुम्हारी मदद कर जाए उसको गुरु जानो। हर रूप परमात्मा का ही है, बिल्ली भी परमात्मा, कुत्ता भी परमात्मा, सियार भी परमात्मा, संसार भी परमात्मा। तुम ये देखो कि कौन सा रूप तुम्हें सुहाता है, कौन सा रूप तुम्हारे लिए उपयोगी है, कौन सा रूप तुम्हारे लिए मददगार है। जो रूप तुम्हारे लिए मददगार परमात्मा का, वो विशिष्ट रूप तुम्हारे लिए गुरु हुआ। तो अगर गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है तो वस्तुतः कौन कर रहा है तुम्हारी मदद? परमात्मा ही कर रहा है। तो घूम फिर करके क्या कह रहे हैं कबीर? ये कह रहे हैं, जिस पति के यहां सिर्फ साफ होकर ही प्रवेश मिलता है, तेरी सफाई भी सिर्फ वो पति ही करेगा, माध्यम बनेगा गुरु। जो प्रेमी सिर्फ निर्मलता को पसंद करता है, निर्बल भी तुझे वो प्रेमी ही करेगा, साबुन बनेगा गुरु। अभी बड़ी विचित्र बात है, आप कहेंगे सफाई पति करता है, पर पति के यहां प्रवेश तभी मिलेगा जब साफ हूं, तो ये कैसे होगा? जब प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो सफाई कैसे होगी? सफाई ऐसे होगी कि उसकी कोई विशिष्ट दुनिया नहीं है कि जहां पहले प्रवेश मिले और फिर सफाई हो। यह दुनिया जिसे तुम संसार कहते हो, यह भी परमात्मा की ही दुनिया है। पिता भ्रम है, पति सत्य है। संसार भ्रम है,
सत्य जो दिखाई न पड़ता हो उसे संसार कहते हैं। आप सोचते हैं कि जब आंख खोलते हैं तो जो दिखाई पड़ता है उसे संसार कहते हैं। परिभाषा उलट दीजिए, अगर आंख खोलें और सत्य न दिखाई दे तो कहिएगा संसार। वास्तव में जिसे आप संसार कहते हो ये परमात्मा ही है। जब ये परमात्मा है तो आप फिर सदा से ही पति की नगरी में मौजूद हो। नैहर बुढ़ावा है, नैहर भ्रम है। पिता का घर शरीर और मन भ्रम है। आप सदा से पति के पास हो। पति को भूलना ही नैहर शरीर संसार या विक्षेप है। तो प्रवेश इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है। यह सोच के दुबलाने की कोई जरूरत नहीं है कि जब तक साफ नहीं हुए तब तक उसके यहां प्रवेश कैसे मिलेगा। तुम उसी के यहां हो, अद्यतन भी तुम उसी के यहां हो। जब उसी के यहां हो तो सफाई भी वही कर देगा। ठीक उस वक्त जब तुम उसको भूले बैठे थे तब भी तुम उसी के यहां थे। तुम कहीं बाहर नहीं थे, पति के ही घर में तुम पति को भूले बैठे थे। पति के घर में ही तुम कोई और संसार रचाए बैठे थे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रवेश की कोशिश की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं सफाई हो जानी है। आंखें खोलो, मिल जाएगा वो जो कर देगा साफ। साफ हो गए तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें परमात्मा अनुमति देगा, एंट्री टिकट देगा। साफ हो गए तो तुम उसे पहचानने लग जाओगे। तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हो और वो गंदा हो और तुम उसे साफ कर दो तो क्या सामने खड़ा व्यक्ति आ जाता है? क्या होता है? तुम उसे पहचानने लगते हो। तुम्हारी आंखों पर मलिनता का चश्मा चढ़ा है, तुम्हारी साड़ी पर दाग धब्बों की तह जमी है। तुम्हारी आंखों से मलिनता हटेगी, तुम्हें दिखने लगेगा कि वो तो सामने ही था, तुम भूल गए थे। वो आ नहीं जाएगा, न वो तुम्हें कहीं आने की अनुमति दे देगा। तुम पाओगे कि वो कहीं गया नहीं था। तुम कल भी कह रहा था मैं कि जितना प्रेम कर सकते हो या कल्पित कर सकते हो उससे अनंत गुना प्रेम तुम्हें मिला हुआ है। तुम जितना दे सकते हो उससे अनंत गुना तुम्हें मिला हुआ है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें मिला हुआ है। तो तुम्हें प्राप्ति नहीं चाहिए, तुमको पुनर्स्मृति चाहिए। तुम्हें रोशनी की नहीं आंखों की जरूरत है। जिस परमात्मा के लिए इतना व्याकुल हुई फिरती है वो गया कब था? तू भ्रम में बैठी थी कि मैं नैहर आ गई, तू भ्रम में बैठी थी कि मैं शरीरी हो गई, जीवी हो गई। वो गया कब था? ध्यान से देख, उसी की नगरी में तो थी। ध्यान से देख, उसी का साया तो तेरे ऊपर था। ध्यान से देख, उसी का आशीर्वाद तो था कि चल फिर पा रही थी। और घूमने निकली थी, भटक गई और फिर कहती है अब तो जगहसाई हो रही है
और साबुन असफल है और रंगरेज विफल है, ये सारे प्रयत्न बस इतना बताते हैं कि तेरी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, तू वही है जहां तुझे होना था, कोई अन्य संसार नहीं है क्योंकि कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, यही संसार है और यही परमात्मा है। और साथ ही ये भी कहता हूं कि ये संसार पूरा बदल जाना है जब तुझे सत्य का हो जाना है। ये दोनों बातें एक साथ लेकर के चलना जरा टेढ़ा लगता है। संसार यही है, दूसरा नहीं है, और यही संसार पूरा का पूरा नवीन हो जाना है जिस दिन तुझे जग जाना है, खुल जाना है। सही जीवन का कोई विकल्प यहां के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलना है, प्रेम कहीं और नहीं मिलना है, गुरु कहीं और नहीं मिलना है। साथ ही साथ कहता हूं, भ्रम भी कहीं और नहीं मिलना है, धोखा भी कहीं और नहीं मिलना है, छल और कपट भी कहीं और नहीं मिलना है, तुम चुन लो। क्या चल रहा है? यहां बाजार भी है, यहां व्यापार भी है, यहां यार भी है, यहां संसार भी है, यहां प्यार है तो तकरार भी है, क्या चुनना है? अब ये भी मजबूरी, चुनाव का सवाल भी तो नहीं है, चुनाव की हैसियत भी तो नहीं है, चुने तो तब ना जब दूसरा दिखाई दे, नैहर नैहर गा रहे हैं, यहां दिखाई कहां दे रहा है पिया, यहां तो क्या दिखाई देता है, बस पति, पति माने यहां क्या दिखाई देता है नैहर में, बस पिता, और पिता माने शरीर, यहां तो मन और शरीर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता ना, और कुछ सूझता ही नहीं, मन को सुरक्षा का डर, मन को महत्वाकांक्षा की प्यास, मन को अनुभवों की चाह, मन को रंगों की आस, और शरीर को चाहिए लंबी आयु, तमाम तरह के भोग, जबान का स्वाद, भूख से मुक्ति, वासना के नए नए आयाम, चुनाव कैसे करें, दिखता ही यही सब कुछ है। तो प्रार्थना कर लो, जहां खड़े हो वहीं हाथ जोड़ लो कि बड़ी विकट हालत है, कहीं दूर जाना होता तो चले भी जाते, जाना कहीं नहीं है, कहीं दूर जाना होता तो मन को जरा ढांढस भी रहता कि भाई दूरी है, श्रम करेंगे तो तय कर लेंगे, जाना भी कहीं नहीं है, यही है परमात्मा, यही है परमात्मा, जाना भी कहीं नहीं है,
और जा भी नहीं पा रहे, इससे बड़ी मजबूरी हो सकती है? जाना भी कहीं नहीं है और जा भी नहीं पा रहे। पहुंचना कहीं नहीं है लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे। कहीं पहुंचना नहीं है फिर भी पहुंच नहीं पा रहे। जब ऐसी असंभव मजबूरी सामने आ जाए तो बस एक ही उपाय है, प्रार्थना। तुम्हारी ओर से उठे तो प्रार्थना, अस्तित्व की ओर से उठे तो गुरु, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा मिलता नहीं। गुरु ही होगा अकेला जो प्रार्थना के लिए प्रेरित करेगा, बाकी सब तो प्रयत्न के लिए प्रेरित करेंगे। गुरु में और संसार में यही अंतर जानना। गुरु कहेगा प्रार्थना करो, संसार कहेगा प्रयत्न करो। गुरु से मिलेगी प्रार्थना और प्रार्थना से मिलेगा गुरु। पहले गुरु मिल जाए सौभाग्य जानना, पहले गुरु ना मिलता हो तो प्रार्थना कर लो। घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, ये दोनों एक साथ होते हैं ना, चुनरी में दाग लगना और घर से निकाला जाना। और मजेदार बात यह है कि घर से निकाले नहीं जा सकते क्योंकि पूरा अस्तित्व ही घर है। लेकिन जहां तुम्हारी चुनरी में दाग लगा नहीं, वहां पहली प्रतीति तुम्हें यह होनी है कि अब घर छूटा, अब घर से निकाले गए, निकाले भी गए और लौटने का भी कोई आसरा नहीं। घर समझते हो कौन सा घर? दिल्ली वाला? कौन सा? दिल वाला। दो घर होते हैं कुणाल, एक दिल्ली वाला और दूसरा दिल वाला। किसमें रहना है? कोई यहां ये ना कहे कि वो घर में रहता है। यहां जो कहते भी हैं कि घर में रहते हैं, आंख खोल के देखो तो नैहर में रहते हैं। यहां घर नहीं है, सिर्फ नैहर है। और नैहर में प्रेम तो नहीं पाओगे, बाप पाओगे, वो हक जमाएगा, स्वामित्व जमाएगा, शरीर देने का रौब जमाएगा। शरीर हमने दिया, अरे शरीर तुमने दिया होगा, आत्मा तुमने दी है और आत्मा की कीमत शरीर से अनंत गुना ज्यादा है। जो नैहर में होते हैं वो बैठे बैठे फिर साई की नगरी के सपने लेते हैं। क्यों देवेश जी? साई की नगरी परम अति सुंदर, कोई आवे ना जावे। कबीर की ऐसी ही बात है, जरा सा रास्ते में सब बोल जाते हैं। साईं की नगरी वो जहां आने जाने वालों की कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं। वहां ऐसा नहीं है कि आए दो दिन को और निकल लिए, भोग भाग के पीछे दाग धब्बे और कीचड़ छोड़ के। साईं की नगरी वो जहां समय रुक जाता है। वहां यातायात नहीं है। यातायात समझते हो?
इधर गए और इधर वापस आए। वहां स्थायित्व पर विडंबना यह है हमारी कि हमें यातायात ज्यादा पसंद है, हमें आवागमन ज्यादा पसंद है, स्थायित्व हमें उबाऊ लगता है। एक ही है 5 साल से, क्या कीमत करनी उसकी, वो तो बेकदरा। वीकेंड ट्रैफिक चाहिए, देखा है ना शनिवार इतवार को आने जाने वालों की तादाद और उत्तेजना। जो सदा से हो, जो पुराना हो, जिसके साथ उठे बैठे हो, बड़े हुए हो, जो पुरातन से प्राचीन है, जो समय से पहले का है, उसकी क्या हैसियत, उसको तो दरकिनार कर दो, अवहेलना कर दो। और मन अगर खट्टा हो तो गाली दे दो उसको। कबीर इसीलिए कहते हैं वहां कोई आवे न जावे, कदर उसकी करना सीखो, जो आता नहीं है वही होगा जो जाएगा भी नहीं। शरीर पाई हो तो गवाओगी भी, यही है यातायात, यही है आवागमन। शरीर मिला है तो शरीर के साथ शरीर पे मंडराने वाले भी बहुत मिलेंगे, वो शरीर के बाद बचेंगे। पिता ने दिया होगा जन्म, जब देह ही जलेगी तब पिता किस पर हक जमाएगा। पिता ने जो दिया वो भी तो यातावात वाली ही तो बात है। एक दफे मैंने पूछा था तुम्हारे जीवन पर जो हक पूरा जमाते हैं वो मौत के समय कहां छुप जाते हैं, तुम्हारे जन्म पर तो उन्होंने पूरा हक जमा लिया, अब हमारी मौत पर भी हक जमाओ, चलो साथ। चिता से उठना चाहिए एक जलता हुआ हाथ और पकड़ ले और कहे आ, जब तक जी रहे थे तब तक तो तूने अकेले जीने नहीं दिया, जब तक तो जी रहे थे तो तूने हमारे एकांत पर ताना ही मारा, अब हम मर रहे हैं तो भी यही कहे कि अकेले रहना गलत बात है बेटी। जब हम जीते थे तो कहता था अरे सामाजिक नहीं हो, अकेले अकेले बैठी रहती हो, तो पिताजी आपकी सीख मानी हमने, अब हम मर रहे हैं अकेले अकेले नहीं मरना चाहते। तो उठे एक हाथ चिता से और कहे आओ चलो। जीवन भर तो मंडराते रहे ये, मौत में क्यों साथ छोड़ते हैं, जीवन का ही शोषण करना था। कष्ट इसीलिए आवश्यक है, सुख के तो बहुत साथी मिल जाते हैं। कहने को तो सुख और दुख दोनों द्वैत के दो पहलू हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में दुख की उपयोगिता ज्यादा है। दुख तुम्हें बता जाता है कि तुम अकेले हो, सुख तुम्हारा कोई तुम्हारे साथ भोग सकता है, दुख तुम्हारा कोई तुम्हारे साथ नहीं भोगेगा, अकेले बैठे तड़पोगे। सामने वाला हो सकता है शाब्दिक सहानुभूति दे जाए, लिप सर्विस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा दर्द वास्तव में कोई बांट नहीं सकता, हां सुख में जरूर। दुख जब मिले तो उसको प्रसाद जानना, वो तुम्हें कुछ बताने आया है।